आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट पर्टिकुलर डे आपके सामने स्क्रीन पे एक नंबर लाइन दी हुई है ये जीरो से स्टार्ट होती है और जीरो के राइट साइड वाले सभी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं और लेफ्ट साइड में इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये माइनस वन है ये माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर फिर माइनस फाइव माइनस सिक्स ऐसे करते करते लेफ्ट साइड में ये नंबर लाइन इनफाइनाइट इंटीजर्स रिप्रेजेंट करती है इसी तरीके से अगर हम राइट right साइड में देखें तो राइट right साइड में भी जीरो वन टू थ्री फोर देन फाइव रिप्रेजेंट करती है टेन फिफ्टीन इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे और इनफाइनाइट इंटीजर्स को ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करती है इसी नंबर लाइन पे कुछ प्लेसेस भी दी हुई है और ये नंबर लाइन जो है उन प्लेसेस का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करती है अगर हम यहाँ पे देखें शिमला लिखा हुआ है शिमला पे जो एरो बना हुआ है अगर हम उसको देखते हैं तो इसका जो बैक पोर्शन है फाइव ये शिमला का टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है डिग्री सेल्सियस में इसी तरीके से ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और बेंगलुरु का टेम्परेचर अगर हम देखें तो 20 के बाद ये 21 है 22. So सो of ऑफ बेंगलुरु इज degree Celsius. डिग्री सेल्सियस इसी तरीके से श्रीनगर का जो temperature है वो minus 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और स्पीति का temperature minus 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड write द temperature ऑफ प्लेसेस marked on it. हमको इस नंबर लाइन को सही तरीके से ऑब्जर्व करना है और इसकी जो places हैं, उनका temperature हमें रिप्रेजेंट करना है आइए देखते हैं देखिए यहाँ पे मैंने सभी टेम्परेचर लिख दिए हैं बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलुरु का जो एरो है यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 के बाद ये टू प्लेसेस तक आता है सो दिस इज 22 डिग्री सेल्सियस फिर हमने ऊटी का टेम्परेचर लिखा है ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है आप यहाँ पे देख सकते हो 15 से एक कम है सो so, ये 14 डिग्री सेल्सियस है फिर मैंने शिमला का टेम्परेचर लिखा है जो कि फाइव डिग्री सेल्सियस है फिर मैंने श्रीनगर का टेम्परेचर लिखा है जो कि माइनस टू डिग्री सेल्सियस है इसी तरीके से लाहौल स्पीति का टेम्परेचर भी लिख दिया है आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट वॉट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबाउ यहाँ पे कुछ प्लेसेस दी हुई हैं इन प्लेसेस में से सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर क्या है हमें पता करना है और सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर क्या है हमें पता करना है और फिर हमें उसका टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो क्लास सिक्स में जब हमने नंबर लाइन देखी थी तब हमने देखा था कोई भी नंबर जो राइट हैंड साइड में होगा वो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से ज्यादा होगा इट मीन्स राइट मोस्ट जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और इस नंबर लाइन को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि राइट हैंड साइड पे बेंगलुरु जो है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाली प्लेस दिखाता है और इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है इसी तरीके से कोल्डेस्ट प्लेस हमें पता करनी है कोल्डेस्ट प्लेस लेफ्ट मोस्ट प्लेस होगी कोल्डेस्ट प्लेस पता करने के लिए नंबर लाइन की हम सबसे लेफ्ट साइड देखेंगे और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे प्लेस है लाहौल स्पीति और इसका टेम्परेचर है माइनस डिग्री सेल्सियस अब हम इन दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे देखिए यहाँ पे मैंने हॉटेस्ट प्लेस बेंगलोर का टेम्परेचर लिख दिया है 22 टू डिग्री सेल्सियस फिर मैंने कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति का टेम्परेचर भी लिख दिया है माइनस एट डिग्री सेल्सियस अब हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 22 टू डिग्री सेल्सियस में से हमें माइनस करना है माइनस एट डिग्री सेल्सियस और ये आ जाएगा हमारा थर्टी डिग्री सेल्सियस आइए अगला पार्ट देखते हैं वॉट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहुल स्पीति एंड श्रीनगर अब हमें लाहुल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर देखना है लाहुल स्पीति का हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं माइनस एट डिग्री सेल्सियस है श्रीनगर का टेम्परेचर अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट श्रीनगर का टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है श्रीनगर का टेम्परेचर यहाँ पे माइनस टू डिग्री सेल्सियस है आइए अब इसका टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे मैंने श्रीनगर का टेम्परेचर लिख दिया है माइनस टू डिग्री सेल्सियस है और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिख दिया है माइनस एट डिग्री सेल्सियस है अब इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे माइनस टू डिग्री सेल्सियस माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा और ये टेम्परेचर हो जाएगा माइनस टू डिग्री सेल्सियस प्लस एट डिग्री सेल्सियस और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा सिक्स डिग्री सेल्सियस आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैन वी सी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन देश शिमला इसमें हमें श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एड करना है और फिर देखना है की एक साथ एड करने के बाद वो शिमला के टेम्परेचर से कम रहता है या ज्यादा रहता है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर और फिर हमें उसे श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कंपेयर करना है आइये देखते हैं श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर सबसे पहले श्रीनगर यहाँ पे दिया हुआ है इसका डिग्री सेल्सियस है और शिमला का टेम्परेचर फाइव डिग्री सेल्सियस है इन दोनों को ऐड करते हैं यहाँ मैंने लिख दिया है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला फाइव डिग्री सेल्सियस और माइनस टू डिग्री सेल्सियस इन दोनों को ऐड किया है और ये फाइनली थ्री डिग्री सेल्सियस आ गया है नाउ टेम्परेचर एट शिमला हमने देखा वो 5 डिग्री सेल्सियस है अब हमें कंपेयर करना है 5 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस को तो ऑब्वियसली 3 डिग्री सेल्सियस छोटा है टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला इन दोनों का टेम्परेचर एक साथ लेने पर भी शिमला के टेम्परेचर से कम रहता है इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा गया है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर हमें श्रीनगर के टेम्परेचर से भी इसको कंपेयर करना है थ्री डिग्री सेल्सियस जो है श्रीनगर के टेम्परेचर से ज्यादा आता है हमारा आंसर होगा नो इट इज नॉट लेस देन द एट श्रीनगर उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इफ जैक्स स्कोर इन फाइव सक्सेसिव राउंड्स राउंड 25 minus 5 ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव माइनस टेन टेन टोटल टेस्ट हुआ है जिसमें पॉजिटिव मार्क्स दिए गए हैं करेक्ट आंसर्स के लिए और नेगेटिव मार्क्स दिए गए हैं इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जैक ने इस क्विज को फाइव राउंड्स में कंप्लीट किया है और उसके स्कोर्स हमें दिए हुए हैं और हमें उसका फाइनली टोटल निकालना है तो आइए ऐड करते हैं जैक्स स्कोर इन फाइव सक्सेसिव राउंड यहाँ पे जैक के सारा स्कोर हमने लिख दिया है और उसको एड कर रहे हैं ट्वेंटी पहले मैंने को कर दिया है माइनस फाइव एंड माइनस टेन मिलकर माइनस फिफ्टीन हो गए और फिर फाइनली मैंने इन सबको ऐड कर दिया है और मेरा आंसर आता है थर्टी फाइव इस प्रकार जैक का टोटल स्कोर थर्टी फाइव मार्क्स हो गया आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन एट टेम्परेचर वॉज माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप डिग्री सेल्सियस ऑन द ट्यूजेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजे ऑन वेडनसडे इट रोज बाई फोर डिग्री सेल्सियस वॉज द टेम्परेचर ऑन दिस डे इस क्वेश्चन में हमें श्रीनगर का टेम्परेचर दिया हुआ है माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस मंडे को और फिर ट्यूजडे को यही टेम्परेचर टू डिग्रीज ड्रॉप हो गया Drop का मतलब है 2 degrees कम हो गया। अगर हम number line पे देखें, तो -5 degrees Celsius जहां पे भी है, है। उससे हमें left side में में और बढ़ना है. -5 के अगर left side में हम जाते हैं, तो तो ये temperature हो जाएगा ट्यूसडे तो का हमारा टेम्परेचर माइनस सेवन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसी तरीके से वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालने के लिए हमें दिया गया है इट रोज बाई फोर डिग्री सेल्सियस तो अभी जो माइनस सेवन डिग्री सेल्सियस है ट्यूसडे का उससे फोर डिग्री सेल्सियस हमें राइट right साइड की तरफ मूव करना है आइए देखते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है श्रीनगर का टेम्परेचर माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस मंडे का टेम्परेचर है और ये टू डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है तो मैंने माइनस टू डिग्री सेल्सियस कर दिया है और फाइनली ट्यूसडे का टेम्परेचर माइनस सेवन डिग्री सेल्सियस आ जाता है इसी तरीके से वेडनेसडे का टेम्परेचर देखने के लिए हमें प्लस फोर डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा क्योंकि वेडनेसडे को टेम्परेचर राइज हो गया है तो माइनस सेवन डिग्री सेल्सियस में हमने फोर डिग्री सेल्सियस एड कर दिया है Finally, हमारा आंसर आ गया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ फाइव थाउजेंड मीटर्स द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एक्टली अ सबमेरिन फ्लोटिंग ट्वेल्व हंड्रेड मीटर्स बिलो द सी लेवल इस क्वेश्चन में हमें और submarine के बीच का आउट करना है। यहां पे zero जो है है। पे जो ये हमारा sea level represent करता है। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सी लेवल के ऊपर वाले जो डिस्टेंस है उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं और सी लेवल के नीचे वाले डिस्टेंसेज को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन Height of the plane above the sea level, यहां पे मैंने इसको 5000 से represent किया है Floating a submarine below the sea level, sea level के बिलो जो distance है, उसको हम माइनस ट्वेल्व हंड्रेड से रिप्रेजेंट करेंगे अब हमें इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस पता करना है तो वर्टिकल डिस्टेंस 5000 और 1200 मीटर्स का टोटल हो जाएगा 6200 मीटर्स प्लस फाइव थाउजेंड है और ये माइनस ट्वेल्व हंड्रेड है जब हम डिफरेंस पता करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा और फाइव थाउजेंड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड मीटर सिक्सटी टू हंड्रेड आ जाएगा सो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन इज सिक्सटी टू हंड्रेड मीटर्स आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन Mohan deposits Rs. 2000 in his bank account and withdraws Rs. 1642 from it the next day. If the withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal.

क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है इट मीन्स उसके अकाउंट में अभी थ्री हंड्रेड फिफ्टी एट विड्रॉल के बाद भी बचे हुए हैं। डेट्स ऑल इन दिस वीडियो आगे के क्वेश्चन में अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगी